अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो कि ये समझते हैं कि मोटरसाइकिल की जो क्लच प्लेट्स हैं वो 40,000, 50,000, 70,000 किलोमीटर पे चली जाती हैं और उनको बदलवाना पड़ेगा, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मोटरसाइकिल की जो ओरिजिनल फैक्ट्री फिटेड क्लच प्लेट्स हैं वो 1,00,000 किलोमीटर तक आराम से चल सकती हैं। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं SR मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी क्या गलतियां होती हैं जिस वजह से आपकी मोटरसाइकिल की जो क्लच प्लेट्स हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप 30 की स्पीड पर चलाइए, 40 की स्पीड पर, 70 की स्पीड पर, इससे ऊपर नहीं जाना। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं कहता कि मोटरसाइकिल को आप तेज चलाएं या परफॉर्मेंस राइडिंग करें उससे तो उसकी क्लच प्लेट जल्दी खराब होती हैं। ये हमारी कुछ बहुत ही मतलब ऐसी मिस्टेक्स रहती हैं जो हम ध्यान नहीं देते और वो होती जाती हैं और बाय द टाइम वो क्लच प्लेट्स को अफेक्ट करती हैं, क्लच प्लेट्स खराब कर देती हैं। तो ऐसा कोई भी थंब रूल नहीं कहता कि क्लच प्लेट्स जो है वो 25,000 किलोमीटर पर चेंज करनी है, 50,000 किलोमीटर पर चेंज करनी है। अगर आप मोटरसाइकिल की यूजर मैनुअल को भी देखेंगे तो वहां पर भी क्लच प्लेट्स का कोई भी रिप्लेसमेंट इंटरवल नहीं लिखा रहता है। यानी कि क्लच प्लेट्स जब रिप्लेस होंगी जब उसमें वेयर एंड टेयर हो गया होगा, जब वो खराब हो गई होंगी। तो क्लच प्लेट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप मोटरसाइकिल को किस तरीके से चला रहे हैं। क्या आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं यहां पर जिस वजह से मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट आपकी खराब हो जाती है, वो है क्लच लीवर में फ्री प्ले ना देना। क्लच लीवर में फ्री प्ले होता है और मोटरसाइकिल के जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उनमें सब में थोड़ा बहुत फ्री प्ले रहता है। चाहे वो चेन हो गई, आपकी चेन स्लैक हो गया, ब्रेक्स हो गए, उसमें भी फ्री प्ले रहता है। हर एक चीज में मोटरसाइकिल की फ्री प्ले रहता है। फ्री प्ले यानी कि जितना वो फ्री मूवमेंट उसमें आ रहा है। तो जो क्लच लीवर है उसमें फ्री मूवमेंट आना चाहिए 1 से 2 सेंटीमीटर का, ऐसा कंपनीज अपनी यूजर मैनुअल में मेंशन करती हैं। चाहे तो आप यूजर मैनुअल पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि वो जो क्लच लीवर का फ्री प्ले है वो बहुत ढीलापन दर्शा रहा है क्लच का, जिस वजह से उन्हें लगता है कि ये लूज हो गया है तो हम इसको टाइट कर दें। तो वो ब्रेक वायर को जो है एडजस्ट करके उस क्लच लीवर के फ्री प्ले को खत्म कर देते हैं। तो अगर आप क्लच फ्री प्ले को खत्म कर देंगे या उसके स्लैक को कम कर देंगे, जितना स्पेसिफाइड वैल्यू दी गई है 1 से 2 सेंटीमीटर की, उससे अगर आप कम कर देंगे तो आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो खराब होने लगेंगी। और इसी तरह अगर आप फ्री प्ले को बहुत ज्यादा भी बढ़ा देते हैं ये सोचकर कि मेरी क्लच प्लेट बहुत ज्यादा सेफ रहे, तो उस वजह से क्या होगा, जब आप क्लच को दबाएंगे तो क्लच पूरी तरीके से दब नहीं पाएगा, जिस वजह से गियरबॉक्स जो है वो ढंग से डिसएंगेज नहीं हो पाएगा। उस वजह से क्या होगा कि आपके गियर्स जो है वो हार्ड डलने लगेंगे और जब आप मोटरसाइकिल का क्लच पूरा दबा भी देंगे उसके बाद भी मोटरसाइकिल हल्की सी आगे बढ़ती रहेगी। तो ऐसा भी नहीं करना है। जो स्पेसिफाइड वैल्यू में यूजर मैनुअल में चीजें लिखी हुई हैं 1 से 2 सेंटीमीटर का फ्री प्ले, वो क्लच में देना है। दूसरी गलती जिस वजह से क्लच प्लेट्स आपकी मोटरसाइकिल की जल्दी खराब हो सकती है वो है कि क्लच लीवर को एकदम सडनली छोड़ देना। अगर आप क्लच लीवर को सडनली एकदम से झटके से छोड़ते हैं तो झटका है वो क्लच प्लेट्स पर पड़ता है, जिस वजह से क्लच प्लेट्स जो है वो डैमेज हो सकती है, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, ये एक आध दो बार या थोड़ा बहुत अगर आप एक आध बार कभी कर देते हैं तो उससे खराब नहीं होगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली आपकी राइडिंग की स्टाइल ही ऐसा है, आपका आदत ही ऐसी है कि आप बहुत तेज क्लच छोड़ते हैं, तो उस वजह से जो है ये डैमेज हो सकता है। और क्लच प्लेट जो है वो एकदम डैमेज नहीं होती है, कम से कम उसको 5-6,000 किलोमीटर लगते हैं पूरी तरीके से खराब होने में। तो हो सकता है आप ऐसी गलतियां कर रहे हो जिस वजह से आपको पता नहीं चल रहा हो, लेकिन आने वाले 5-6,000 किलोमीटर के बाद आपकी क्लच प्लेट खराब होने वाली है। अगली गलती लोग यहां पर ये करते हैं जिस वजह से उनकी मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट जल्दी खराब होती है, वो है कि ट्रैफिक में जब आप मोटरसाइकिल को चला रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, एक ही गियर पर मोटरसाइकिल को चलने देते हैं और गियर चेंज करने में उन्हें जो है लेजीनेस फील होती है, जो भी होता है मुझे नहीं मालूम, तो गियर चेंज वो नहीं करते हैं और वो क्लच का यूज करके हाफ क्लच पे मोटरसाइकिल को थ्रॉटल बढ़ाकर, एक्सीलरेटर बढ़ाकर आगे चलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत ही इंप्रॉपर प्रैक्टिस है आपके क्लच प्लेट्स के लिए और इनफैक्ट इंजन के लिए भी, क्योंकि इससे क्या है क्लच प्लेट्स हीट हो जाती हैं, हीट होने से वो खराब हो जाती हैं, क्योंकि आप उस गियर पर है ही नहीं जो गियर उस मोटरसाइकिल को उस पर्टिकुलर स्पीड पर आगे बढ़ाने के लिए बना है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको फर्स्ट गियर में होना चाहिए था क्योंकि आपको मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाना है, लेकिन क्योंकि आपने मोटरसाइकिल थर्ड गियर पर ही खड़ी कर दी थी तो आप थर्ड गियर पर क्लच हाफ क्लच पे एक्सीलरेटर ज्यादा देकर मोटरसाइकिल को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से क्लच प्लेट जो है वो आपकी मोटरसाइकिल की खराब हो सकती है। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट खराब होती है और इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी खराब हो जाती है। अगली गलती जो कि लोग यहां पर बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि वो एक हाथ से फोन पे बात कर रहे हैं या एक हाथ उनका कहीं और एंगेज्ड है, तो वो क्लच के बगैर गियर चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक होता है रेव मैचिंग करके गियर चेंज करना, तो उसमें क्या है आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट मिल जाता है जिस टाइम पर गियर बॉक्स जो है वो फ्री हो जाता है, तो उस टाइम पर गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल क्विक शिफ्टर की तरह। तो वो लोग जब गियर शिफ्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हल्का सा एक जर्क आता है इंजन को, तो वो जर्क की वजह से भी क्लच प्लेट खराब हो सकती है। तो अगर आप रेव मैचिंग करके क्विक शिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन मेनली जो क्लच प्लेट डैमेज होती है वो डाउन शिफ्टिंग के टाइम पे होती है, क्योंकि डाउन शिफ्टिंग के टाइम पे लोगों को प्रॉपर रेव मैचिंग नहीं आती। और अगर आपको रेव मैचिंग पर वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना लूंगा। तो रेव मैचिंग जिनको नहीं आती है वो डाउन शिफ्टिंग के टाइम एक बहुत ही जर्क देते हैं मोटरसाइकिल को गियर चेंज करने के लिए विदाउट क्लच। तो ये चीज ना करें, अगर आपको ये चीज सही से नहीं आती, रेव मैचिंग की आइडिया आपको नहीं है, तो आप जो है बिना क्लच दबाए गियर को चेंज ना करें। अब अगली गलती जो है वो मैकेनिक्स के हाथों हो सकती है, वो ये है कि क्लच प्लेट सही से एडजस्टेड नहीं है या क्लच प्लेट सही से डली नहीं है। अगर आपकी मोटरसाइकिल फैक्ट्री फिटेड है तो ये पॉइंट तो आप स्किप कर सकते हैं, आपके लिए है ही नहीं। अगर आपकी मोटरसाइकिल में आपने क्लच प्लेट चेंज करवाई है, किसी लोकल मैकेनिक से करवाई है या किसी से भी करवाई है, तो उसमें हो सकता है गलती हो
जाए कि क्लच प्लेट्स जो हैं वो हर एक मोटरसाइकिल में अलग अलग तरीके से फिट होती हैं। तो किसी की जो आउटर क्लच प्लेट रहती है वो अलग रहती है, उससे थोड़ा सा अलग टीथ्स में फिट होती है वो। तो इसीलिए क्लच का काम जो है वो मोस्टली मैं बताऊं तो ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही कराएं, लोकल मैकेनिक से ना कराएं, क्योंकि ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले ट्रेन रहते हैं उस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के क्लच पे और इंजन पे काम करने के लिए। तो अगर आपने क्लच लोकल मैकेनिक से चेंज कराया, हो सकता है अगर वो सही से फिट नहीं हुआ या सही से क्लच प्लेट्स नहीं डली हैं उसमें जिस तरीके से डलनी चाहिए, तो उस तरीके से भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लच जो है वो आपका खराब हो सकता है। तो अगली गलती यहां पर ये हो सकती है कि क्लच प्लेट की ओवर हीटिंग हो सकती है, क्योंकि क्लच प्लेट्स मोस्टली जो खराब होती हैं, वेयर आउट होती हैं, वो ओवर हीटिंग की वजह से ही होती हैं या फिर फ्रिक्शन की वजह से होती हैं। तो दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं, फ्रिक्शन होगा जब वो ओवर हीट होगी। तो क्या होगा कि अगर आप लॉन्ग राइड पर मोटरसाइकिल को लेकर गए हैं और उसके बाद आपकी मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट खराब हुई है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने क्लच प्लेट्स को ओवर हीट कर दिया है। तो वो इसलिए ओवर हीट हुई होगी क्योंकि क्लच लीवर में या तो फ्री प्ले नहीं होगा या फिर आपकी मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल खराब होगा। तो इंजन ऑयल अगर खराब है तो उसको आप जल्दी से चेंज करा लें, क्लच प्लेट्स खराब इंजन ऑयल के साथ नहीं चलती हैं। इंजन ऑयल खराब होगा तो क्लच प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन आ जाएगा, वो चिपकने लगेंगी आपस में और वो घिसने लगेंगी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए जिस वजह से क्लच प्लेट्स खराब होती हैं। तो टाइम पर इंजन ऑयल चेंज कराइए। अब इंजन ऑयल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देता हूं कि कुछ लोग सस्ते इंजन ऑयल के चक्कर में, जैसे किसी लोकल मैकेनिक के पास इंजन ऑयल रखा है, उसने आपसे बोला कि यार मेरे पास ये इंजन ऑयल रखा है, आप इसे डाल लो, मैं सस्ते में दे दूंगा। हो सकता है वो इंजन ऑयल स्कूटर का हो, तो स्कूटर का इंजन ऑयल कभी भी बाइक में मत डलवाना, क्योंकि स्कूटर का इंजन ऑयल जो है वो सिर्फ इंजन के साथ काम करने के लिए डिजाइन रहता है, क्लच के साथ काम करने के लिए डिजाइन नहीं रहता, क्योंकि स्कूटर्स में ड्राई क्लच होता है। मोटरसाइकिल में अगर आप उस ऑयल को डाल देंगे तो वो क्लच प्लेट्स के साथ सही से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ऑयल ना डालें। मोटरसाइकिल का ऑयल स्कूटर में आप डाल सकते हैं सही ग्रेड का अगर है तो, लेकिन स्कूटर का ऑयल मोटरसाइकिल में ना डालें। और एक प्रो टिप आपको दे देता हूं कि अगर आप नई मोटरसाइकिल में क्लच प्लेट्स डाल रहे हैं तो क्लच प्लेट्स को जो है 1 से 2 घंटा जो है आप ऑयल के अंदर सोक करके रख दें, और जब भी क्लच प्लेट्स चेंज होंगी, भले ही आपने 100 किलोमीटर पहले भी अपनी मोटरसाइकिल में नया इंजन ऑयल डलवाया था, लेकिन वो इंजन ऑयल आप यूज नहीं कर सकते अब। तो जब भी क्लच प्लेट्स चेंज होंगी, एक तो वो नए ऑयल में आपको सोक करके रखनी है, दूसरी बात क्लच प्लेट्स चेंज होने के बाद इंजन में भी नया इंजन ऑयल डालना है। अब लास्ट मिस्टेक यहां पर लोग वो भी करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मैं दर्शा रहा हूं, बता रहा हूं, तो वो आप बता दीजिएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वो लोग क्लच दबा के ना हर कहीं देख देख के थ्रॉटल देते हैं। तो वो थ्रॉटल क्यों देते हैं? वो दिखाने के लिए देते हैं कि हमारे पास भी बाइक है। तो थ्रॉटल देने से क्या होता है कि थ्रॉटल देने से भी आपकी जो मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट्स हैं वो खराब होती हैं, क्योंकि जब आप क्लच को दबा रहे हैं पूरा तो क्लच प्लेट्स बहुत कम गैप से दूर हो जाती हैं, बस हल्की सी, ताकि जो है आपकी पावर जो है वो गियरबॉक्स तक ट्रांसमिट ना हो। तो उस वजह से क्या है कि क्लच प्लेट्स का जो कम गैप रहता है उसमें क्लच प्लेट्स हो सकता है थोड़ी सी घिस जाएं, तो इसलिए थ्रॉटलिंग ना करें। और अगर थ्रॉटलिंग करनी है तो न्यूट्रल पर डाल के आप कर सकते हैं, उसमें जो है क्लच प्लेट्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी गलतियां नहीं कर रहे हो जिस वजह से आपकी मोटरसाइकिल मिनिमम 1 लाख किलोमीटर तक तो क्लच प्लेट्स चली जाएंगी। तो आई होप सो ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।